जब बहुत सारी सब्जियां डाल के थोड़ी सी तेल में शानदार नाश्ता बना रहे हैं। ये हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत टेस्टी भी है। बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी ली है, 1 गाजर जिसे मैंने बहुत बारीक काटा है, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/4 कप धनिया पत्ते बारीक कटे हुए, 2 मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और स्वादानुसार नमक डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसमें अब मैं करीबन 3 से 4 चम्मच चावल का आटा डालती हूँ और 2 चम्मच गेहूं का आटा। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मुझे यहाँ पे आटा थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा आटा और मिक्स कर लेती हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 6 चम्मच चावल का आटा और 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया है। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और एक डो बनाते हैं। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ देती हैं। थोड़ा सा तेल लगा के एक बार ये आटा मिक्स करते हैं। अब ये डो बन के तैयार है। अब हमें तुरंत ही पराठे बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 1 लेमन साइज डो का बॉल लिया है, उसे गेहूं का आटा लगा के अभी मैं पराठा बेल रही हूँ। चारों तरफ एक समान हमें पराठा बेलना है। तो अभी पराठा बेल के तैयार है। मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ, आप ऐसे ही सेक सकते हैं। मैं पराठे थोड़े छोटे ही बना रही हूँ, अगर बच्चों के टिफ़िन में देने हैं तो छोटे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये अपना पराठा बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने तवा भी गरम किया है तो तवे पे पराठा डाल देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ये पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सेकते हैं। अगर ये पराठे में आप 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस डालते हैं तो ये मंचूरियन पराठा बनके तैयार हो जाएगा। सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन में ये नाश्ता आप बना सकते हो। ये नाश्ता शेजवान चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी दोनों तरफ से अपना पराठा सेक के तैयार है। ये पराठा एक प्लेट में निकालते हैं, गरम गरम शेजवान चटनी के साथ सर्व करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।